उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अधिशासी अधिकारी कर अधीक्षक परीक्षा रविवार को 8 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के नोडल अधिकारी अपर जिला अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि परीक्षा के लिए 3,177 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,183 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को टनकपुर बनने वाले रोडवेज बस टर्मिनल डिपो, वर्कशॉप बिल्डिंग, रीजनल वर्कशॉप बिल्डिंग, टायर शॉप निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे यात्रियों के साथ ही तमाम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पिथौरागढ़ के मुआनी स्थित शेर सिंह कार्की महिला आश्रम की ओर से आयोजित 2 दिनी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने जीवन में खेल के महत्व के बारे में बताया, साथ ही खेलों के आयोजन पर आयोजक मंडल को बधाई दी। टनकपुर भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टंडन में फंसे टनकपुर के छिनीकोट निवासी पुष्कर सिंह एरी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी श्रमिकों को जल्द ही टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं, कुछ ही घंटे में सभी श्रमिक सकुशल बाहर निकल आएंगे। साथ ही बताया कि श्रमिकों को सभी जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। हमारे शहर पिथौरागढ़ में अब हमें मिलेंगे हमारे मनपसंद स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस ऑनलाइन से सस्ते और इंटरेस्ट फ्री EMI के साथ। तो आज ही विजिट करें हमारा शोरूम सिमलगेर बाजार नियर SBI पिथौरागढ़ और आप 9084538958 पर संपर्क भी कर सकते हैं। पिथौरागढ़ नगर का घंटाघर फिर हुआ खराब। कलेक्ट्रेट के सम्मुख हाल ही में तैयार किए गए घंटाघर में आए दिन खराबी आ रही है। नगर के तमाम लोगों ने कहा है कि घंटाघर में खराबी होने से उन्हें समय का पता नहीं लग पा रहा है। घंटाघर की देखरेख का जिम्मा ग्रामीण निर्माण विभाग के पास है। बता दें कि पिछले एक माह में घंटाघर तीसरी बार खराब हुआ है। जिले का प्रसिद्ध बौराणी मेला रविवार को शुरू हुआ। विधायक फकीर राम टम्टा ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि बौराणी मेला सीमांत जिले की विशेष पहचान है। मेले के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने झांकी निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंदिर में प्रातः 4 बजे से पूजा अर्चना की गई। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। रविवार को पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत धारचूला क्षेत्र में हेड कांस्टेबल आन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जुम्मा निवासी कृष्ण कुमार को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। कृष्ण कुमार के खिलाफ 7 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान जारी है। रविवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस्लामुद्दीन निवासी लिंचुड़ा और जगदीश बेलवाल निवासी कृष्णापुरी को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। GGIC पिथौरागढ़ में NCC का 75वां स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर NCC के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए प्रधानाचार्य कमला आर्या ने कैडेटों को लोकतंत्र का महत्व बताया। NCC की लेफ्टिनेंट रमा खरकवाल ने कहा कि NCC का उद्देश्य देश के लिए चरित्रवान और कर्मठ नागरिकों को तैयार करना है। प्रवक्ता शहजादी गौशिया ने भी NCC का महत्व बताया। अब आप पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। खबरों को पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।